नमस्कार, मृदुभाषी में आप सभी का स्वागत है। मैं सान्या, आप देख रहे हैं नाइन प्राइम शो। आज के शो में हम बात करेंगे यूपी में तैयार हुए जनसंख्या नियंत्रण पर ड्राफ्ट के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे कि मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में कितने मंत्री दागी हैं। आखिर में बात करेंगे कि WHO की चीफ साइंटिस्ट ने कौन सी कोरोना को लेकर चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इसे तैयार किया है। यदि ये ड्राफ्ट कानून में बदला तो यूपी में भविष्य में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे लोग कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। विधि आयोग का दावा है कि अनियंत्रित जनसंख्या के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली लिमिटेड ओवर्स की सीरीज की नई तारीखें फाइनल हो गई हैं। अब ये सीरीज 18 से 29 जुलाई के बीच खेली जाएगी। श्रीलंकन स्क्वाड में कोरोना आउटब्रेक की वजह से ये फैसला लिया गया। पहले ये सीरीज 13 से 25 जुलाई के बीच होनी थी। BCCI ने नए शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। पहला वनडे 18 जुलाई, दूसरा 20 जुलाई और आखिरी मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं T20 के मुकाबले 25, 27 और 29 जुलाई को होंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक गंगा नदी के पानी में कोरोना नहीं है। गंगा के 13 घाटों से लिए गए सभी 67 सैंपलों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि गंगा जल में हानिकारक बैक्टीरिया मिले हैं, पानी में ऑक्सीजन की भी कमी मिली है। राहत की बात यह है कि इसका जलीय जीवों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। IITR लखनऊ ने 2 फेज में ये जाँच की थी। इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई है। देश में कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट चिंता बढ़ा रहे हैं। उस पर वैक्सीनेशन में आ रही गिरावट मुश्किल को और बढ़ा सकती है। अभी तक कुल टारगेट से 54% कम टीके लगाए गए हैं। कुछ सबसे बड़े राज्यों में रोजाना के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड सबसे खराब है। इन राज्यों की कुल आबादी करीब 59 करोड़ है। डेटा के मुताबिक केरल और दिल्ली में वैक्सीनेशन टारगेट 22% कम है। वहीं बिहार में ये 71%, जबकि राजस्थान और बंगाल में 66% कम है। केंद्र सरकार के नए मंत्रिमंडल में अधिकांश मंत्री दागी हैं। कईयों पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो अधिकांश मंत्री करोड़पति हैं। नेशनल इलेक्शन वॉच और ADR की नई रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ADR ने रिपोर्ट मंत्रियों के चुनावी हलफनामे के आधार पर तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के 78 मंत्रियों में से 42% पर आपराधिक केस हैं। हत्या जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। 2 दिन पहले जिन 15 नए कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्री को शपथ दिलाई गई है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए परिसीमन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें होंगी। उन्होंने कहा कि हमें अनुसूचित जाति के लिए भी सीटें रिजर्व करनी है, ऐसा पहली बार होगा। आयोग ने राजनीतिक दलों और जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि दुनिया के ज्यादातर इलाकों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से ये फैलाव दिख रहा है। इस बात के सबूत हैं कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कुछ देशों ने वैक्सीनेशन की मदद से संक्रमण के गंभीर मामलों और अस्पताल में भर्ती होने की दर को कम किया है। फिर भी दुनिया के बड़े हिस्से में ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल में बेड की कमी और हाई डेथ रेट बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।